नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ स्मिता मिश्रा। फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी। फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल त्रिभुवन कुमार भारती पर। और हम पढ़ चुके हैं संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब हम हिंदी के विविध रूप और जो हैं मानक भाषा पढ़ेंगे आज हम। फ्रेंड, आपको बता दूँ हमारे चैनल के द्वारा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप हिंदी साहित्य से या फर्स्ट पेपर के जो मॉक टेस्ट लेना चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। अभी टाइम है और अभी आप ले रहे हैं तो अभी टाइम है, मतलब जून जुलाई तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसका चार्ज भी ज़्यादा नहीं है, 499 रुपये, 21 मॉक टेस्ट हैं। ओके, और फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि मैं संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराऊँगी आपको। उसके बाद में मैं जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है और डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास है, उसकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके, वो नोट करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। पहले हम क्रम से थ्योरी, सारे जो भी टॉपिक है हमारे 10, उसका सारा हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम जो मतलब उसके प्रमुख तथ्य होंगे, जो तथ्य होंगे वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, प्रैक्टिस पेपर के लिए आपको मैं बता चुकी हूँ मॉक टेस्ट, वो आप ले सकते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं मानक भाषा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ओके, और कमेंट भी कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताते रहिए कि कैसा लग रहा है आपको क्लास। आप लोग फ्रेंड हैं हमारे और हम पढ़ा भी रहे हैं आपको, तो इतना तो बनता ही है आपको कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्या मतलब अच्छा लग रहा है इसमें पढ़ना, या क्या आपको मालूम है क्या नहीं मालूम है, वो भी बताते रहिए। ओके, आप लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होगा। और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी पीजी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं या इंटर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी नेट तो या पीएचडी के लिए, क्योंकि मैं नेट क्लियर कर चुकी हूँ और आप जो है पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। ओके, हिंदी साहित्य से चलिए पढ़ते हैं मानक भाषा। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। देख रहे हैं आप, मानक भाषा उसे कहते हैं जिसका मानकीकरण होता है। हिंदी की अनेक बोलियां बोलियां हैं, जिनमें खड़ी बोली को मानक हिंदी नाम दिया गया है। इसी खड़ी बोली हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। इस खड़ी बोली के अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय बोलियाँ समाविष्ट नहीं है। फ्रेंड, ये थ्योरी पढ़ने से आपकी स्थापना और तर्क के क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। और आपको मालूम है जो हमारा पेपर आता है सब्जेक्ट का, 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन स्थापना और तर्क से आते हैं और लगभग 15 क्वेश्चन क्रम से आते हैं। तो क्रम से क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे जब थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हिंदी के विविध रूप जो हैं। खड़ी बोली हिंदी के 4 विविध रूप हैं। फर्स्ट है उर्दू। उर्दू मुसलमानों की बोली है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। उर्दू कोई अलग भाषा न होकर खड़ी बोली से ही विकसित हुई है। यही कारण है कि विद्वान हिंदी व उर्दू को परस्पर बहनी मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की बोलता रहती है। और आपको फ्रेंड बता दूं, जो भी सिलेबस हमारा न्यू सिलेबस आया है अभी NTA नेट के द्वारा, तो वही हम पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, बाकी कुछ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है। ओके, तो उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की बोलता रहती है तथा यह फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी देवनागरी लिपि में। ब्रिटिश उपनिवेश काल में के पूर्व यह हिंदी व हिंदू व मुस्लिम दोनों की भाषा थी, परंतु ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान अंग्रेजों ने हिंदी व मुस्लिम हिंदू व मुस्लिम दोनों में फूट डालकर उर्दू को मुस्लिमों एवं हिंदी को हिंदुओं की भाषा घोषित कर दिया। बस यही कारण रहा है। उर्दू की प्रारंभिक पुस्तक बानो बहार थी, इसका रचना काल था 18वीं सदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आप लोग मुझसे बुक पूछते हैं तो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप PhD या PGT या नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बुक आप उपकार की खरीद लीजिए, नए सिलेबस में आ चुकी है, 2018 का कोई उसने पेपर भी दिया है जो है उपकार की, ओमकार नाथ की, अच्छी बुक है। उसमें क्वेश्चन भी दिए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हैं उसमें। ओके,
अभी मेरे पास नहीं है, अगर मैं जल्द मंगाने वाली हूँ वो बुक उपकार की, मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने तो गूगल से सर्च करके खुद नोट बनाए थे। ओके, अब देखते हैं। हाफसन जॉफसन शब्द को उसके अनुसार उर्दू शब्द भारत में बाबर के समय में आया, परंतु वास्तव में यह शब्द बाबर के पूर्व ही तुर्कों के साथ उर्दू रूप में इस देश में आ चुका था। उर्दू के प्रारंभिक कवियों इब्राहिम, आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का उदाहरण देकर रामधारी सिंह दिनकर यह सिद्ध करते हैं कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं प्रत्युत दक्षिणी भारत में हुआ। इनकी मानता है कि दिल्ली और आगरा तो इस्लामी संस्कृत के गढ़ थे और बाहर से आने वाले मुस्लिम इन्हीं केंद्रों पर ठहरते थे, इसीलिए यहाँ फारसी के श्रोता मिल जाते थे। फ्रेंड, ये आपके स्थापना और तर्क से जो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ की आपके कोर्स से जो क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए बेहतर रहेगा आप थ्योरी डीपली पढ़ें। ओके, उस कारण कभी तुक ब्रज या भी या शुद्ध फारसी में लिखते थे। धीरे धीरे अरबी फारसी और हिंदी का मिश्रित प्रयोग होने लगा और उर्दू भाषा का जन्म हुआ। उर्दू भाषा का जन्म किस तरीके से हुआ है, इस थ्योरी में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, उर्दू का आधार भले ही हिंदी अथवा खड़ी बोली रहा है, परंतु अरबी फारसी तुर्की शब्दावली के अधिक ने उसे हिंदी से भिन्न जमीन भी प्रदान की है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सदस्य नेताओं के प्रयास से यह भाषा शब्दावली की दृष्टि से हिंदी के निकट अवश्य आई, परंतु उससे पहले और बाद में भी इसमें क्लिष्ट अरबी फारसी शब्दावली का प्रयोग बढ़ता रहा है। आज यह प्रयोग इस सीमा तक बढ़ गया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इसे अपनी राष्ट्रभाषा घोषित किया हुआ है। आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया है, बट हिंद जो हमारा भारत है, यहाँ पे सभी भाषाओं को समानता दी जाती है, अंग्रेजी को भी और हिंदी को भी और अन्य भाषाएं जो हैं उनको भी। हमारी हिंदी जो है राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं, ऐसा अनुसंधान जो हमारा संविधान है उसमें नहीं लिखा है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। बट जो भाषा पूरी जो जनता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है, तो उसको राष्ट्रभाषा होना ही चाहिए। ऐसा ओके, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत के संविधान में इसे स्वतंत्र भाषा का स्थान दिया गया है। जो उर्दू है, इसको यूपी में, उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषा कहा गया है। उर्दू को हिंदी की बहन कहा गया है और दूसरी राजभाषा है ये उर्दू यूपी में। भारत के संविधान में इसे स्वतंत्र भाषा का स्थान दिया है। अन्य स्तरों पर भी यह भाषा हिंदी की तुलना में कुछ विशिष्टता लिए हुए है, जैसे इसमें नागरी के स्थान पर फारसी लिपि को स्वीकार किया गया है। उर्दू में क, ख, ग, ज और फ पांच छवियां मिलती हैं जो हिंदी में नहीं है। इनका प्रयोग सिर्फ उर्दू के जानकार हिंदी भाषी ही करते हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी उर्दू का विशिष्ट स्थान है, तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे। नेक्स्ट देखते हैं, ये दक्षिणी भाषा, जो दक्षिणी भाषा है ये भी हमारे सिलेबस में है, तो इसे देखना जरूरी है। दक्षिणी शब्द का प्रयोग दक्षिण का निवासी तथा दक्षिण को भाषा, इन दो अर्थों में किया जा सकता है, तथा दक्षिण को की जो भाषा है इन दो अर्थों में किया जा सकता है। भारतीय साहित्य में दक्षिण पद शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। भारत में मुस्लिमों के आने के बाद यह दक्षिण पद ही दक्षिणी कहलाया एवं इस प्रदेश की भाषा दक्षिणी कहलाई। दक्षिणी का प्रयोग बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर, बरार, मुंबई तथा मध्य प्रदेश तक फैला रहा है। फिर स्थापना और तर्क के क्वेश्चन अगर बनते हैं यहाँ से, तो आपको इसके लिए थ्योरी पढ़ना आवश्यक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इस भाषा के लिए दक्षिणी नाम का प्रयोग पहली बार